मोहतरम जाम कमाल खान साहब, सूबाई वज़रा, अराकीन सूबाई असम्बली और सरकारी अफसरान और बलूचिस्तान के गयूर आवाम जो आज इस पंडाल में मौजूद है। जिस तरह अभी बात की, 5 फरवरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी मज़लूम भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए और उनको ये बावर कराने के लिए कि वो इस मुश्किल कड़ी में अकेले खड़े नहीं है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी अफवाज उनके शाना बशाना इस जदोजहद में खड़ी है। कश्मीर एक खूबसूरत, जिस तरह कहा जाता है, वादी जन्नत है, लेकिन इंडिया ने अपना गासबाना कब्जा, जुल्म और बर्बरियत को वहां पे जारी रखा हुआ है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम उनको ठहराते हैं जो अमन के दावेदार है, जिसमें अक्वामे मुत्तहिदा शामिल है, जिसमें बाकी मुमालिक जो जानवरों के हकूक की बात करती है वो शामिल है, लेकिन उनको कश्मीर में इंडिया का जुल्म नजर नहीं आ रहा। लाखों हजारों की तादाद में जवान, बच्चे, ख्वातीन शहीद किए गए, माओ बहनों की असमत दरी की गई, लेकिन अब भी आलमी अक्वाम खामोश है। तो इस घड़ी में हम पाकिस्तान फख्र महसूस करते हैं कि हमने कश्मीरियों को तन्हा नहीं छोड़ा है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम और खसूसन बलूचिस्तान के गयूर आवाम कश्मीरियों के साथ शाना बशाना कड़ी है। अगर जुल्म का ये सिलसिला ना रुका गया तो पाकिस्तान आखिरी इकदाम तक जाने के लिए भी गुरेज नहीं करेगा इंशाल्लाह। जब से वजीर आला जाम कमाल खान साहब ने अपना मनसब संभाला है, उस वक्त से हुकूमत बलूचिस्तान कश्मीर के बॉर्डर पे भी गई है अपने हमारे वजरा। हमने बाकायदा, वजीर आला साहब ने एक टीम वजरा की बनाई जो अमेरिका में कश्मीरियों के हकूक के लिए और इंडिया का जो चेहरा है दिखाने के लिए वहाँ पे बाकायदा 10 दिन रही। हमारे सेनेटर साहिबान भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद जेनीवा में, बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहाँ के यहाँ के वजरा गए और ब्रोकन चेयर के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इंशाल्लाह आइंदा जो भी होगा वजीर आला साहब की सरबराही में हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की आवाम कश्मीर के साथ खड़ी रहेंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज इस